की नाप से कैसे सलवार की कटिंग करते हैं और स्टेचिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे पास है सलवार, हम इसकी नाप लेंगे पहले। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी टोटल नाप है 39 इंच। तो हम इसकी लंबाई 39 इंच ले ली और इसमें से हम पहले देख लेते हैं यहाँ तक जो मेरी बेल्ट को छोड़ के है 33 इंच। और ये मैंने बेल्ट को ले ली तो मेरी बेल्ट 6 इंच है। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरा लंबाई इसकी लेनी है 39 इंच। और यहाँ से हमको मोहरी कितनी लेनी होगी, 6 इंच का मोहरी है दोस्तों। ये मेरी बड़ी कली वाली सलवार है, तो हम आप लोगों को बड़ी कली वाली सलवार की ही कटिंग बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कमर की नाप लेते हैं। ये मेरी कमर इसकी कितनी है, तो देखिए दोस्तों, ये मेरी कमर है 21 इंच। ठीक है, तो इसकी मैंने नाप, फुल नाप इसकी ले ली हूँ, जितना चाहिए उतना हम सब कुछ इसकी नाप ले ली हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बड़ी कली वाली सलवार की। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी कटिंग करके बताती हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहले हमको इसे दो फोल्ड में ऐसे कर लेनी है कपड़े को, तो मैंने दो फोल्ड में कर ली हूँ। उसके बाद पहले हमको मोहरी वाला पार्ट निकालनी होती है, तो ये मैंने मोहरी मेरी थी 6 इंच, तो यहाँ से मेरा तो 6 इंच था, तो हम 12 इंच, उसके डबल 12 होगा, तो हम 12 इंच ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम 14 इंच का ये मेरी है मोहरी वाला पार्ट, तो पहले हम 12 इंच का मोहरी वाला पार्ट निकालेंगे। और यहाँ से लंबाई हमको लेनी है दोस्तों, उसमें मेरी लंबाई थी 33 इंच सिलाई करने के बाद। तो दोस्तों, हम इसमें एक इंच बढ़ा लेते हैं, तो ये मेरी हो जाएगी 34 इंच। मार्जिन के लिए हम 1 इंच बढ़ाए हैं, आप लोग भी इसी तरह बढ़ाकर कटिंग कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरह अगर आप लोग भी कटिंग करेंगे तो आपका सलवार जो है वो परफेक्ट होगी सिलाई करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी कटिंग पहले देख लीजिए, तो यहाँ से मैंने 34 इंच लंबा ये मेरी है मोहरी वाली पार्ट, तो हम इसे पहले कटिंग कर लेते हैं। हमारी बेल्ट थी 21 इंच, तो आप ऐसे कपड़े को पहले दो फोल्ड कर लीजिए और यहाँ से आपको बेल्ट की कटिंग करनी है, तो बेल्ट की कटिंग कीजिए पहले। हम इसे पहले बराबर कर लेते हैं, एक ही इंच था मेरी बेल्ट, तो मेरा यहाँ आ रहा है 19.5 इंच। तो हम इसमें कपड़ा अलग से ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेल्ट थी मेरी कितनी, 6 इंच का बेल्ट था, तो 2 इंच में डोरी या इलास्टिक लगाने के लिए ले लेती हूँ, तो मेरा यहाँ 8 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 8 इंच को मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी बेल्ट की कटिंग हो गई। हम इसमें अलग से कपड़ा ये है मेरे पास, हम इसमें ऐड कर लेंगे जितना मेरा कम हो रहा है उतना।
अब हमको बड़ी कली की कटिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों, मेन पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं। इसको देखना और समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस चीज़ में आप लोग बहुत जल्दी गलती करते हैं। दोस्तों देखिए हम कैसे कटिंग करते हैं बेल्ट की। मेरे पास जितना कपड़ा बचता है उस कपड़े को हम पहले दो फोल्ड में करते हुए बराबर करके ऐसे रख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास जो कपड़े हैं इसको हम पहले बराबर करते हैं। ये मेरे कपड़े बराबर में नहीं हैं तो हम इसे थोड़ा बराबर कर लें। देखते रहिए, हमने इसे बराबर में कर लिया है। अब हमको यहाँ से लंबाई जितनी थी हमको उतना हमको लेनी है। तो मेरी जो मोहरी वाला पार्ट की लंबाई थी 34 इंच, तो हम यहाँ पर 34 इंच पर मार्क लगाएंगे। ठीक है, और इधर भी हम 34 इंच पर मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम ऐसे दोस्तों, अगर आप लोग को पूरा वीडियो दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं आप लोग को बता देती हूँ अच्छे से एक बार इसे सीधा करके। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बीच बीच से तिरछा करके कटिंग कर ली हूँ। अब ये जो मेरी पार्ट है ये सीधा जो इधर है इधर रखकर उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखते रहिए, ये जो मेरी पार्ट है इधर, इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। दोस्तों कटिंग करने के बाद जो आपका कपड़ा इधर उधर होगा थोड़ा सा, तो आप इसे बराबर कर सकते हैं। अब हमको यहाँ से लेनी है 10 इंच। ये मेरी आसन 10 इंच होगा। और ये जो मेरी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी है बड़ी कली। ये मैंने 4 कली है मेरी। तो इधर वाला बंद है पार्ट, इसे भी मैं खोल लेती हूँ, कट कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 4 कली की कटिंग कर ली हूँ। ये एक पैर में 2 कली आएगा और एक पैर में 2 कली आएगा। तो मैं आप लोगों की इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।